तो सत्ता की कवर स्टोरी शुरू करने से पहले हम आपको आज का सवाल बता देते हैं। आज ट्विटर पर हमने सवाल पूछा है, क्या ऑनलाइन गैम्बलिंग पर सरकार को नया कानून बनाना चाहिए? इस सवाल का जवाब आप टीवी 9 भारतवर्ष के ट्विटर हैंडल पर दे सकते हैं। हम आपकी राय शो के दौरान लगातार दिखाते रहेंगे। सत्ता में आज बात सट्टे की सत्ता की। आपने सही सुना, सट्टे की सत्ता। देश में सट्टे यानी जिसे अंग्रेजी में बैटिंग और गैम्बलिंग कहते हैं, उसकी एक समानांतर सत्ता चल रही है। सट्टे की सत्ता की ताकत एक आंकड़े से समझी जा सकती है। यह आंकड़ा सुनकर आपको झटका लग सकता है। देश में ऑनलाइन गैम्बलिंग में करीब 5 लाख करोड़ की रकम लगी हुई है। यह देश के रक्षा बजट से भी ज्यादा है। जी हां, देश के रक्षा बजट से ज्यादा है गैम्बलिंग में लगी हुई रकम। देश का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ का है। अब आप समझिए कि सट्टे की सत्ता कितनी मजबूत है। इसको समझना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि सट्टे की यह सत्ता हो सकता है आपके घर तक पहुंच चुकी हो। और सबसे आश्चर्य की बात यह है कि इस मॉडर्न सट्टे की सत्ता को रेगुलेट करने के लिए देश में कोई मजबूत कानून नहीं है। देश में संसद का सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र में कई कानून बनेंगे। क्या सरकार सट्टे की सत्ता को रेगुलेट करने के लिए भी कानून बनाएगी? ये सवाल हम क्यों पूछ रहे हैं आपको बताएंगे, लेकिन पहले सट्टे की सत्ता पर इस रिपोर्ट को देखिए। एक ऐसा खेल जिसकी गिरफ्त में है हिंदुस्तान के लाखों लोग, एक ऐसा खेल जिसमें निवेश हो चुका है 5 लाख करोड़, एक ऐसा खेल जिसका इतिहास 5,000 साल पुराना है, एक ऐसा खेल जिस पर आजादी के 74 साल बाद भी सिर्फ अंग्रेजों का कानून लागू होता है। हिंदुस्तान के हर शहर में कोने कोने में ये खेल खेला जा रहा है। इसमें रोज करोड़ों रुपए लगते हैं। हम बात कर रहे हैं सट्टेबाजी की, मतलब गैम्बलिंग, मतलब जुआ। ये शब्द आपने कई दफे सुना होगा, लेकिन पिछले कुछ सालों में हिंदुस्तान में गैम्बलिंग के क्रेज में जबरदस्त इजाफा हुआ है। यही वजह है आज की तारीख में सट्टेबाजी की लत में देश के लाखों युवा डूब चुके हैं। बदलते वक्त के साथ जुआ खेलने का तरीका भी बदल गया है। अब देश में ऑनलाइन सट्टेबाजी का बाजार गुलजार है। स्पोर्ट्स के नाम पर ऑनलाइन सट्टेबाजी वाले कई ऐप देश में ऑपरेट कर रहे हैं। ऑनलाइन गेमिंग के नाम पर करोड़ों लोग इन ऐप में पैसा लगा रहे हैं। सट्टेबाजी के बढ़ते बाजार का अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि देश के डिफेंस बजट से भी ज्यादा पैसा सट्टेबाजी में लगा है। एक आंकड़े के मुताबिक क्रिकेट T20 वर्ल्ड कप खत्म होते होते हमारे देश के सट्टा बाजार में 5 लाख करोड़ रुपए लग चुके थे, जबकि इस साल देश का डिफेंस बजट 4,78,000 करोड़ रुपए था। मतलब आसान भाषा में समझिए तो सरकार हमारी सुरक्षा पर जितने पैसे खर्च करती है, उससे कहीं ज्यादा पैसे लोग सट्टेबाजी में खर्च कर रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या भारत में सट्टेबाजी लीगल है? एक सच ये भी है कि देश की किसी सरकार ने आज तक जुए पर कोई कानून नहीं बनाया है। भारत में सट्टेबाजी को 2 कैटेगरी में रखा गया है, एक गेम ऑफ स्किल और दूसरा गेम ऑफ चांस। गेम ऑफ स्किल में दिमाग खर्च होता है, लिहाजा इसे अपराध नहीं माना गया है, जबकि गेम ऑफ चांस में सिर्फ लक आजमाया जाता है, लिहाजा इसे अपराध की कैटेगरी में रखा गया है। यही वजह है ऑनलाइन ऐप पर गेम ऑफ स्किल के तहत जमकर पैसा लगाया जा रहा है। दिन ब दिन इसमें पैसे लगाने वालों की तादाद बढ़ती जा रही है। देश के वो नौजवान जिनके हाथ में मोबाइल है, जिनके मोबाइल में डेटा है, वो गेम के नाम पर ऑनलाइन पैसा लगा रहे हैं, जुआ खेल रहे हैं। तो 5 लाख करोड़ यानी इतनी रकम जो देश के रक्षा बजट से ज्यादा है। अंग्रेजी में और कहें तो ग्लोरीफाइड इस भाषा में इसे गैम्बलिंग कह सकते हैं, लेकिन ये एक लत है, ऐसी लत जिसे पार पाना आसान नहीं है। सवाल ये कि आखिर जंगल की आग में की तरह तेजी से फैलती इस लत पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा है, और गैम्बलिंग को लेकर देश का कानून क्या कहता है? ये जानकारी आपके लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये जानकारी आपको हैरत में डाल देगी। दरअसल देश में सट्टेबाजी के खिलाफ जो कानून है वो 1867 में बना था। द पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट 1867 में अंग्रेजों ने बनाया था। आज भी इसी 154 साल पुराने कानून के तहत कार्रवाई की जाती है। सोचिए 1867 के बाद देश में, दुनिया में, समाज में क्या क्या नहीं बदल गया, लेकिन नहीं बदला तो गैम्बलिंग का कानून। पिछले 2 दशक में इंटरनेट ने पूरी दुनिया को बदल दिया है। दुनिया के देशों ने इंटरनेट के आने के बाद ऑनलाइन जिंदगी को लेकर कानून बनाए हैं। 1867 में ऑनलाइन जैसी कोई चीज थी ही नहीं, इसलिए अंग्रेजों के कानून में इंटरनेट से जुड़े नियम नहीं थे। लेकिन भारत में साल 2000 में
आईटी एक्ट बनाया गया, तब भी ऑनलाइन सट्टेबाजी को लेकर कोई नियम नहीं बनाया गया। नतीजा यह रहा कि भारत में कुल सट्टेबाजी का 80% जुआ ऑनलाइन खेला जाने लगा और इस जुए का बाजार लगातार बढ़ रहा है। भारत में सट्टेबाजी का यह मामला सुप्रीम कोर्ट भी गया था। सुप्रीम कोर्ट ने 6 मार्च 2020 को एक लैंडमार्क डिसीजन में प्रपोजल को पास कर दिया कि जुए के दो रूप हैं। कोर्ट ने कहा कि पहला गेम ऑफ स्किल, जानकारी और नॉलेज के हिसाब से पैसे दांव पर लगाना, इसे माना जाएगा और इस कैटेगरी को अपराध में नहीं शामिल किया जाएगा। दूसरा गेम ऑफ चांस, यानी सिर्फ लक अजमाकर जुआ खेलना, जिसे अपराध माना गया है। ऑनलाइन गेमिंग एप्स ने अपनी गेम को पहली श्रेणी यानी गेम ऑफ स्किल बताकर प्रचारित किया। एक क्रिकेट जैसे खेल का जुनून, दूसरा इसमें पैसे बनाने का चांस, इन दोनों चीजों के मिश्रण ने ऐसा जादू किया कि देश में गेम ऑफ स्किल के नाम पर फैंटेसी स्पोर्ट्स के पैकेट में ऑनलाइन गैम्बलिंग का बाजार लगातार बढ़ता गया। 2019 में 920 करोड़ का यह बाजार था, जो 2020 में बढ़कर 24,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। ऑनलाइन गैम्बलिंग यानी जुए का यह कारोबार लगातार बढ़ रहा है। वैसे आपके लिए यह जानना भी जरूरी है कि देश के 3 राज्यों में जुआ भी लीगल है, क्योंकि अंग्रेजों के 1867 के कानून के तहत राज्य के पास ये अधिकार है कि वो अपने स्टेट में चाहे तो जुए को भी लीगल कर सकते हैं। इसलिए गोवा, सिक्किम और दमन में जुआ लीगल है। वैसे आपको यह भी बता दें कि देश में सबसे ज्यादा सट्टेबाजी क्रिकेट पर होती है। 2013 में आईपीएल में स्पॉट फिक्सिंग के बाद लोढ़ा पैनल बना था। 38 राउंड की बैठकों के बाद इस पैनल ने सिफारिश की थी कि क्रिकेट में बैटिंग को लीगल कर देना चाहिए। जुए और शराब को समाज में बुरी आदत के तौर पर देखा जाता है, यह सच है, और 100% सच है कि जुए और शराब ने घर, परिवार और समाज को बर्बाद किया है। इसके बाद भी सरकार शराब की बिक्री करती है और जुए को मान्यता देने की सिफारिशें की जाती हैं। अभी जो ऑनलाइन गैम्बलिंग चल रही है, उसमें इनाम जीतने पर सरकार टैक्स भी लेती है। और जो पैनल बनाया गया था इस मामले पर, उसने कहा था कि क्रिकेट की गैम्बलिंग को रोका नहीं जा सकता, इसलिए इसे कानूनी मान्यता दी जानी चाहिए। इसीलिए आपके लिए जरूरी है जानना कि गैम्बलिंग यानी जुए के कारोबार की आर्थिक सत्ता क्या है। ऑस्ट्रेलिया को बैटिंग से $11 अरब का टैक्स मिलता है। कनाडा को बैटिंग से $15 अरब का टैक्स मिलता है। इंग्लैंड, अमेरिका और यूरोप के कुछ देशों में भी ऑनलाइन गैम्बलिंग को लीगल किया गया है। इन देशों को गैम्बलिंग से हजारों करोड़ रुपए का टैक्स मिलता है। इन्हीं देशों का उदाहरण देकर भारत में भी सरकार को गैम्बलिंग को कानूनी मान्यता देने की मांग की जाती है। वैसे आपकी जानकारी के लिए बता दें कि KPMG की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गैम्बलिंग का बाजार 2012 से 2018 के बीच बढ़कर 9.5 लाख करोड़ का हो गया। देश में ऑनलाइन गैम्बलिंग का कारोबार 20.5 लाख करोड़ का है। ऑनलाइन गैम्बलिंग का मार्केट हर साल 40% की रफ्तार से बढ़ रहा है। ऑनलाइन गैम्बलिंग से सरकार को 2025-26 तक 53,000 करोड़ का टैक्स मिलेगा। अगर सभी तरीके की गैम्बलिंग को कानूनी मान्यता दे दी जाती है तो सरकार को 6.5 लाख करोड़ का टैक्स मिल सकता है। इतना ही नहीं, स्पोर्ट्स के मुताबिक सरकार को 5 साल में लाइसेंस फीस और दूसरे टैक्स को मिलाकर के अतिरिक्त 33 लाख करोड़ की कमाई हो सकती है। इस बड़ी रकम को सामने रखते हुए गैम्बलिंग को लीगल करने की सिफारिशें लगातार की जाती रही है। भारतीय समाज में जुआ और शराब दोनों को वर्जित माना जाता है। शराब पीने वाले और जुआ खेलने वालों को समाज में सम्मान के नजरिए से नहीं देखा जाता। ये जानते और समझते हुए भी जुए यानी गैम्बलिंग को कानूनी दर्जा देने की हिमायत की जाती है, तो इसके पीछे दूसरी बुराई यानी शराब से सरकार को होने वाली आय का तर्क भी दिया जाता है। आपको जानकर हैरत होगी कि सभी राज्य सरकारों और दो और केंद्र शासित जो भी प्रदेश हैं या फिर केंद्र सरकार, 2018-19 में शराब की बिक्री से मिलने वाले टैक्स से 1,50,657 करोड़ की आय हुई थी। शराब की बिक्री से होने वाली आय 2019-20 में बढ़कर 1,75,501 करोड़ हो गई थी। आंकड़े बताते हैं कि सेहत को शराब से होने वाले नुकसान के प्रचार के बाद भी दिन ब दिन शराब की खपत बढ़ी है, यानी सरकार की आय बढ़ रही है। सरकारों को होने वाली आय को ऐसे भी समझा जा सकता है कि राज्यों के राजस्व में शराब से होने वाली आय उनके कुल राज्य के 20% तक है, इसलिए शराब से होने वाले नुकसान के बाद भी शराब की बिक्री होती है। कोरोना संक्रमण के समय जब देश में लॉकडाउन के दौरान सब कुछ बंद था, तब भी देश में शराब की दुकानें जरूर खोली गई थी। ये अर्थ की सत्ता है। भारत में जुए का इतिहास 5000 साल पुराना माना जाता है। जुए से कलह की क्लासिकल कहानी महाभारत से जुड़ती है। इसके अलावा भी बचपन से ही हमें यह भी बताया जाता है कि जुआ खेलना
कैसे जमीन जायदाद धन दौलत और अपने मान सम्मान को गवा देता है। इसलिए जरूरी है कि देश को लग रही ऑनलाइन गैम्बलिंग की लत को रेगुलेट किया जाए। आज हम आपको ये खबर इसलिए भी दिखा रहे हैं क्योंकि अभी संसद का सत्र शुरू होने वाला है और सरकार कई अहम कानून बनाने वाली है, इसलिए सरकार जुए को लेकर भी सख्त कानून बनाए, यही हमारी मंशा है। वैसे देश में सिर्फ जुए का कानून ही अंग्रेजों के जमाने का नहीं है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि देश में कई ऐसे कानून हैं जो सैकड़ों साल पुराने हैं। बदलते वक्त के साथ उन्हें बदलने की जरूरत थी, लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सदियों पुराने एक कानून के मुताबिक गंगा में चलने वाली बोट का टोल टैक्स 2 आना से ज्यादा नहीं हो सकता। आपकी जानकारी, आपको पता होगा कि आना अब चलना बंद हो चुका है, वो अब सिस्टम में नहीं है। ऐसे एक दूसरे कानून के मुताबिक कुछ राज्यों में पुलिसकर्मियों को यह सुनिश्चित करना होता है कि हवा में गिराए गए पैम्पलेट उनके इलाके में ना गिरें। इस कानून का मकसद दूसरे विश्व युद्ध के दौरान प्रोपोगेंडा कैंपेन को रोकना था। वर्ल्ड वॉर खत्म होने के साथ ही इस कानून की उपयोगिता भी खत्म हो गई, लेकिन ये अभी भी लागू है। इंडियन एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 के तहत पतंगे भी एयरक्राफ्ट के दायरे में आती हैं और इनको उड़ाने के लिए भी परमिट लेना आज भी जरूरी है। सोचिए कभी आपने परमिट लिया। इंडियन ट्रेजर टोव एक्ट 1878 के तहत अगर आपको 10 रुपये से ज्यादा कीमत की कोई चीज मिलती है और आपको इसके बारे में राजस्व अधिकारी को नहीं बताते हैं तो ये गैर कानूनी है, आपको इस मामले में जेल भी हो सकती है। सोचिए अगर 10 रुपये की कोई चीज आपको मिल रही है तो आपको इसकी जानकारी रेवेन्यू ऑफिसर को देनी होगी, ऐसा देश का कानून है। ऐसे सैकड़ों अजब गजब कानून देश में लागू हैं। मोदी सरकार ने 1200 से ज्यादा ऐसे कानूनों को खत्म किया है। सरकार ऐसे ही चलन में नहीं रहे 1824 कानूनों पर पुनर्विचार कर रही है। इन कानूनों को खत्म करना जितना जरूरी है उतना ही जरूरी नए समय के मुताबिक नए कानून बनाना है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।